हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी एग्जाम बाय रवि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हम सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे यहाँ पे इस लेक्चर में, ये सभी टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का। सो यहाँ से हम स्पेक्ट्रम बुक यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नोट्स हैं ये आप यहाँ पे बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर। नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे डिटेल्स गिवन है। सो एक्चुअल में यहाँ पे ये जो लेक्चर है ये ऑलरेडी मैं 2 साल पहले यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, उसी को यहाँ पे मैं एडिट करके इसके आगे वाला जो पोर्शन होगा वो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। सो लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट थर्ड लेक्चर होगा उससे हम यहाँ पे शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूसली, क्लियर है? तो आप देख सकते हैं पहले से अपलोड किया हुआ है इसके आगे वाला टॉपिक। यहाँ पे क्या है कि जो हिस्टोरिकल मटेरियल्स हैं जो अवेलेबल हैं वो मिड 18th सेंचुरी से लेकर मिड 20th सेंचुरी तक हमें यहाँ पे रिकॉर्ड्स है देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे जो आर्काइव्स, ठीक है, सबसे पहले बेसिकली आर्काइव्स क्या होते हैं? आर्काइव्स होते हैं कि कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो यहाँ पे कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे आर्काइव्स बोलते हैं। सो यहाँ पे जो ये आर्काइव्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे जो मेनली एक्टिविटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, सोशियो एंड कमर्शियल, इनके ऊपर यहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसके साथ में यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो वो यहाँ पे ट्रेडिंग कंडीशन, ठीक है, जो व्यापार के तरीके के साथ आई थी, ठीक है, उसके यहाँ पे डिटेल में हमें अकाउंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो जो पीरियड है 1600 से लेके 1857 से लेके 1857 तक के सभी यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं उनके बारे में भी रिकॉर्ड हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था, ठीक है, और उनके द्वारा यहाँ पे जो शासन किया गया था उसके द्वारा यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें लार्ज वराइटी एंड वॉल्यूम में यहाँ पे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। सो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनकी मदद से जो हिस्टोरियंस हैं, सो यहाँ पे ये पता लगाते हैं कि उस समय में जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट इनके द्वारा की जाती थी, कैसे इनके द्वारा डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होते थे और जो भी इनके द्वारा पॉलिसी बनाई जाती थी, सो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं अदर यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ठीक है, ये भी आए थे, इनके भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स काफ़ी कुछ देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो कंपनीज यहाँ पे आई थी, ये अपने साथ यहाँ पे लेकर चली गई थी, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स थे। सो हमें इनको एक्सेस करने के लिए हमें इनकी कंट्री में यहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है, ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। ये जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल इनके द्वारा यहाँ पे सेटअप किया गया था उनको सीखने के लिए भी यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स बहुत ही यहाँ पे यूज़फुल साबित होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो न्यूज़पेपर जर्नल्स जो अपीयरेंस में आए थे 18th सेंचुरी के बाद, उनसे हमें बहुत कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के बारे में जो 19th एंड 17th सेंचुरी में थी बेसिकली। सो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्काइवल मटेरियल्स। सो क्या क्या आर्काइव्स हैं, मटेरियल्स हैं जिनसे हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है? सो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स हैं। सो फर्स्ट टाइप है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, सेकंड है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स, थर्ड है यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज, फोर्थ है यहाँ पे जुडिशियल रिकॉर्ड्स। इसके अलावा भी यहाँ पे प्राइवेट आर्काइव्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे सोर्सेज अवेलेबल अब्रॉड कुछ थे जो अपने साथ अपनी कंट्री से में ले गए थे, सो हमें एक्सेस करने के लिए उनकी कंट्री में वहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम आगे वन बाय वन देखते हैं। सो सबसे पहले है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स। सो यहाँ पे जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, सो यहाँ पे ज़्यादातर जो आर्काइव्स हमें देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ब्रिटिशर्स टाइम के, ठीक है।
सो इसमें भी यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस हमें देखने को मिलेंगी, जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे वर्क किया जाता था, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस में उसको यहाँ पे डिवाइड करा गया था, जैसे पब्लिक और जनरल हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन जो भी सिस्टम होता था उनका, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सीक्रेट, कम्युनल, सॉरी कमर्शियल हो जाएगा, जुडिशियल, एजुकेशन सिस्टम। सो इन सभी के ऊपर हमें जो भी आर्काइव्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जेम्स रैनल, यहाँ पे जो फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ बंगाल थे 1767 में, सो इन्होंने यहाँ पे जो फर्स्ट सर्वे करा था इंडिया में, जो इन्होंने यहाँ पे सर्वे स्टार्ट करवाया था, जो अननाउन रीजन थे कंट्री के और यहाँ पे जो इसके बॉर्डरिंग रीजन थे उनको यहाँ पे एक मैप इनके द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना कि जो इनके द्वारा मैप यहाँ पे तैयार किया गया था वो अननाउन रीजन्स, मतलब कि यहाँ पे पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही है, कुछ यहाँ पे जो रीजन्स थे, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पे सर्वे करवाया गया था, ठीक है, और जो बॉर्डरिंग एरियाज थे। और इसके अलावा यहाँ पे जो सर्वे करवाया गया था वहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे ज्योग्राफिकल मैटर्स हो जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम में कैसी होती थी, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, तो इन सभी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसके साथ में यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स होती थी पब्लिक, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, सो यहाँ पे भी हमें बहुत सारा डाटा मिलता है। सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज़ जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान यहाँ पे इनके द्वारा लगाई जाती थी, ठीक है, पॉलिसी यहाँ पे लगाई जाती थी, सो उनके ऊपर भी हमें काफ़ी डिटेल में डाटा यहाँ पे मिलता है। सो उनको स्टडी करते हैं, ठीक है, सो उनको ही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, चेंजेस करते हैं। सो ऐसे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें इतिहास से, जो उनके द्वारा यहाँ पे गलतियाँ की गई थी उनको कैसे इम्प्रूव करा जाए, कैसे उसमें सुधार करा जाए। सो ऐसे में सो इसलिए हम यहाँ पे हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन के ऊपर, ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम जो कॉलोनियल रूल था, ठीक है, ये सभी कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं सेंट्रल आर्काइव्स के, ठीक है, वहाँ पे ये डिटेल में यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं। और इसके साथ में 1907 में एक न्यू सीरीज़ ऑफ रिकॉर्ड स्टार्ट करी गई थी होम पॉलिटिकल की, सो बेसिकली ये डील करता है पॉलिटिकल एंड कम्युनल जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर ये डील करते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्काइव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट में मेनली यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है पहले वाली, ठीक है, उनके यहाँ पे आर्काइव्स हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, प्रिंसली स्टेट्स के देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशंस था ब्रिटिशर्स के अलावा और जो दूसरे यहाँ पे आए थे उनका भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन पावर्स के रिकॉर्ड्स हैं उन्हें जो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है, जैसे कि यहाँ पे जो आर्काइव्स हैं किंगडम्स ऑफ लाहौर, जिसे यहाँ पे खालसा दरबार से के भी नाम से जाना जाता है। सो ये जो रिकॉर्ड्स हैं मेनली 1800 से लेके 1849 तक देखने को मिलते हैं, ये सभी ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पेशवा दफ्तर, जहाँ पे जो मराठा हिस्ट्री की यहाँ पे कंप्लीट स्टडी आपको देखने को मिलेगी, सो ये कहाँ पे है, ये एलिनेशन ऑफिस पुणे में आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं राजस्थान की, जैसे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, सो ये कहाँ पे है, जो राजस्थान स्टेट आर्काइव्स एट बीकानेर, सो यहाँ पे आपको सभी रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। और इसके साथ में जो डोगरा रूल, ये 1846 से ऑनवर्ड्स यहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल जो कलेक्शन है ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे रिकॉर्ड्स, जम्मू में ये देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो अदर इम्पोर्टेंट आर्काइव्स हैं जो प्रिंसली स्टेट, जैसे कि ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रेवा, ये मध्य प्रदेश में यहाँ पे आर्काइव्स देखने को मिलेंगे, त्रवणकोर और कोचीन केरला में, मैसूर कर्नाटका में, और कोल्हापुर ये महाराष्ट्र में आर्काइव्स या रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इसको यहाँ पे बार बार लिख के देखें, सो आपको यहाँ पे आसानी से याद हो जाएंगे। सो रिवीजन करते रहिए 3 बार 4 बार, सो ये याद हो जाएंगे आपको। सो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेजिडेंसीज। सो इनके आर्काइव्स हमें देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो फोर्ट विलियम जो बंगाल प्रेजिडेंसी, ठीक है, यहाँ के जो अर्ली रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ पे लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्यों,
क्योंकि जब यहाँ पे 1756 में कलकत्ता को यहाँ पे लूट लिया गया था, ठीक है। सो जो यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था उससे पहले के हमें इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जब प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स बेसिकली देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो बंगाल प्रेसिडेंसी आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री, जो प्लासी का जो वॉर हुई थी, ठीक है, उसके बाद 57 में, सो उसके बाद के जो आर्काइव्स हमें देखने को मिलते हैं, ये जो आर्काइव्स हैं, जो आधे आर्काइव्स आपको नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे और जो इसके आधे आर्काइव्स हैं वो स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें एक भविष्यवाणी भी हुई थी, ठीक है, ये वैसे मैं डिटेल में बताऊँगा। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था कि इसके 100 साल के बाद यहाँ पर कि एक युद्ध होगा जिससे कि इंडिया को यहाँ पे आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, उसमें बहुत सारे कुछ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी थे जिसकी वजह से यहाँ पे जो 1857 में हमें आज़ादी नहीं मिल पाई थी, ठीक है। सो वो क्या रीज़न थे वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो क्लास 12th की हिस्ट्री, ठीक है, वो कम्प्लीट यहाँ पर हो चुकी है, सो वो आप जाके देख सकते हैं। आई थिंक 11th चैप्टर है 1857 रिवोल्ट, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। सो उसके 4 पार्ट हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। सो ये स्टार्ट होते हैं 1670 से ऑनवर्ड्स। सो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे मद्रास में गवर्नर और काउंसिल ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज के, और इसके साथ में यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी आपको देखने को मिलेंगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि उनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो कैसे इंक्रीज़ हुई थी यहाँ पे साउथ और डेक्कन में, और यहाँ पे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो हुआ था और इंग्लिश जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी, ठीक है, अदर इंडियन पावर्स के साथ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। उसके बाद यहाँ पे जो आर्काइव्स हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस मुंबई में देखने को मिलेंगी, और इसके साथ में जो इसके अंडर और भी जो एरियाज आते थे, जो रीजन्स आते थे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, कन्नड़ स्पीकिंग, सो इनको भी यहाँ पे मिला लिया गया था मैसूर में 1956 में। सो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्काइव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। सो यहाँ पे जो आर्काइव्स ऑफ पोर्तुगीज, सो यहाँ पे जो पोर्तुगीज़ के आर्काइव्स हैं ये कहाँ पे रखे गए हैं, ये गोवा में रखे गए हैं। सो 1700 से लेके 1900 तक के आपको आर्काइव्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो डच रिकॉर्ड हैं कोचीन और मालाबार के, ये मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो चिनसुरा, ये कहाँ पे, स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगी। इसके साथ में यहाँ पे जो फ्रेंच आर्काइव्स हैं चंद्रनगर और पौडुचेरी के, ये जो फ्रेंच आर्काइव्स हैं ये अपने साथ ही पेरिस में लेकर चले गए थे जब ये यहाँ से छोड़कर गए थे। सो अगर हमें इनको स्टडी करना होता है तो हमें इनकी कंट्री में वहाँ पे जाना होता है, सो वहाँ से स्टडी करते हैं हम, ठीक है। ये जितने भी थे ये अपने साथ में सभी लेकर चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो आर्काइव्स हैं डैनिश, ये भी अपने साथ में लेकर चले गए थे, कहाँ पर, कोपनहेगन में। जब यहाँ पे जो डच ने जो त्रंक्यूबार और जो सैरमपोर जब इन्होंने बेच दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, तब ये जितने भी रिकॉर्ड्स थे ये सभी अपने साथ में लेकर चले गए थे। लेकिन यहाँ पे जो कुछ डैनिश रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिमेनिंग आर्काइव्स या रिकॉर्ड्स हैं ये किसके हैं, यहाँ पे त्रंक्यूबार के यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में। सो नेक्स्ट है यहाँ पे जुडिशियल रिकॉर्ड्स। सो जुडिशियल रिकॉर्ड्स यहाँ पे जो आर्काइव्स हैं मेयर्स कोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज के, ये मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में देखने को मिलेंगे 1689 से। और यहाँ के जो प्री प्लासी रिकॉर्ड्स, मतलब कि जो प्लासी का यहाँ पे युद्ध हुआ था उसके पहले के जो रिकॉर्ड थे वो सभी लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा था। उसके बाद यहाँ पे लेकिन जो 57 से लेके 73 के यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं
वो कहाँ पे रखे गए हैं, वो कलकत्ता हाई कोर्ट रिकॉर्ड रूम में रखे गए हैं। इसके साथ में जो आर्काइव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल 74 से लेकर 1861 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी यहीं पर रखे हुए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में। और जो यहाँ पे बॉम्बे कोर्ट मेयर कोर्ट जो बॉम्बे के रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं, वो महाराष्ट्र सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस में रखे गए हैं। इसके साथ में जो बॉम्बे रिकॉर्ड कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे आर्काइव्स हैं वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स और मिनट्स ये सभी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसमें कॉपीज ऑफ विल्स, डिबेट्स, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सभी कुछ भी देखने को मिलेगा जो उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताता था। सो नेक्स्ट है यहाँ पे पब्लिश्ड आर्काइव्स। सो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्काइव्स हैं पार्लियामेंट्री पेपर्स, जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर थी उनके जो पार्लियामेंट्री पेपर्स थे उनको यहाँ पे पब्लिश जो किए जाते थे, ठीक है, उस टाइम के वो आर्काइव्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी और जो रॉयल कमीशन में भी यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स आते थे जैसे एजुकेशन, सिविल रिफॉर्म्स, फेमाइंस, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, ठीक है, इंडियन एम्पायर के ऊपर जो बहुत ही कंपल्सरी थी, ठीक है, इनके ऊपर भी यहाँ पे पब्लिश किया जाता था आर्काइव्स। इसके अलावा यहाँ पे प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वीकली गैजेट्स यहाँ पे पब्लिश किए जाते थे सेंटर के द्वारा, प्रोविंसेस के द्वारा। और यहाँ पे जो लॉ और रेगुलेशंस था वो टाइम टू टाइम यहाँ पे इशू करते रहते थे। सो इन ये सभी आर्काइव्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे प्राइवेट आर्काइव्स। सो प्राइवेट जो आर्काइव्स हैं ये पेपर और डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ के यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया के लिए, ठीक है। और इसमें जो लीडर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे INC हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये नेहरू मेमोरियम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली में। इसके अलावा यहाँ पे जो आर्काइव्स हैं बैंक्स रिलेटेड, बिजनेस हाउस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सो ये सभी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इकोनॉमिक चेंजेस के रिगार्डिंग अगर कोई भी स्टडी वगैरह यहाँ पे करनी होती है, सो यहाँ पे रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरेन रिपोजिटरीज। अब जो रिकॉर्ड्स आउट ऑफ इंडिया फॉरेन में हमें देखने को मिलेंगे सो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं जो इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं। इंग्लैंड में इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड लंदन में, सो यहाँ पे जो आर्काइव्स ऑफ मिनट्स ये देखने को मिलेंगे। सो डायरेक्टर्स एंड जनरल कोर्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और जो अलग अलग यहाँ पे कमेटीज थी और यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंडिया काउंसिल, सो इन सभी के यहाँ पे जो आर्काइव्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद है यहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम। सो यहाँ पे जो ब्रिटिश वाइस रॉय थे, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स एंड अदर जो सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, सो इनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आर्काइव्स ऑफ द मिशनरी सोसाइटीज़, ठीक है, जो प्रोपागेट करते हैं अपने अपने जो रिलीजन को, ठीक है, धर्म प्रचारक जो होते हैं, सो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन, सो यहाँ पे भी हमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, जो आर्काइव्स होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आर्काइव्स नेशनल पेरिस। सो इसमें जो आर्काइव्स देखने को मिलेंगे फ्रेंच मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज, ठीक है, जो इनके अंडर आती थी या इन जो फ्रेंच जिनके साथ इन्होंने वॉर की थी, सो इन सभी के रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सो जो इनके रिकॉर्ड्स है वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, द हेग, सो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डैनिश,
सो इनके जो रिकॉर्ड हैं वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो कोपेनहेगन में देखने को मिलेंगे। और जो पोर्तुगीज़ हैं इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, लिस्बॉन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ आर्काइव्स हैं वो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है, जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में लाहौर में, रिकॉर्ड ऑफिस पेशावर, रिकॉर्ड अवेलेबल इन सिंध। सो यहाँ पे रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे जो बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है कि जो इंडिया के रिलेशंस थे अफ़गानिस्तान, ईरान, जो अदर नेबरिंग कंट्रीज़ थी, ठीक है, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने राज किया होता उस समय में कैसे रिलेशंस थे, सो इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, जो यहाँ पे सेंटर्स हैं ये। नेक्स्ट है यहाँ पे बायोग्राफीज़, मेमोरीज एंड ट्रैवल अकाउंट्स, ठीक है, जो अलग अलग देशों से ट्रैवल करते थे, ठीक है, जहाँ पे भी जाते थे वो उनके बारे में यहाँ पे लिखते थे, जैसे किसी गांव में जा रहे हैं या किसी दूसरे एरियाज़ में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे वो जाते थे उनके बारे में वो लिखते थे, ठीक है। सो उनके जो भी ट्रैवल अकाउंट्स थे, जो भी मेमोरीज थी, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। सो बहुत सारे जैसे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, इंडिया में आए और उन्होंने जो भी उनका अकाउंट था, ठीक है, यहाँ पे जो छोड़ दिया था उनके बारे में मेनली स्टडी की जाती है। सो फर्स्ट यहाँ पे बिशप हैबर्स, ठीक है, इनकी जो जर्नल थे। दूसरा यहाँ पे एबी डी बॉयज, सो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स, बहुत ही यहाँ पे यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ थी इंडिया में, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे कुछ फेमस यहाँ पे ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे जो यहाँ पे आए थे और जिन्होंने यहाँ पे, ठीक है, जो आए थे अकाउंट यहाँ पे लिखा था, ठीक है, बुक्स लिखी थी, जैसे यहाँ पे जॉर्ज फॉस्टर, बेंजामिन हाइन, जेम्स बॉन्स। सो इन्होंने विजिट करा था कोर्ट ऑफ सिंध, सो उसके बारे में यहाँ पे लिखा था। अलेक्जेंडर बॉन्स, सो इन्होंने ट्रैवल करा था बोखरा में। सी जे सी डेविडसन, इन्होंने जो अपर इंडिया पार्ट है वहाँ पे ट्रैवल करा था, ठीक है, उसके बारे में लिखा था। जॉन बटलर, सो इन्होंने ट्रैवल करा था प्रोविंस ऑफ असम। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स भी थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। सो विक्टर जैकमोंट, सो इन्होंने डिस्क्राइब की थी जर्नी जो ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर आती थी, जैसे इंडिया, तिब्बत, लाहौर, ठीक है, सो ये अलग अलग यहाँ पे घूमे, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे जो देखा सो उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब करा था 1828 से लेके 1831 तक का। उसके बाद बैरोन चार्लेस, सो इन्होंने कश्मीर और पंजाब यहाँ पे ट्रैवल करा था। विलियम मूरक्रॉफ्ट, ठीक है, सो ये कुछ नेम्स हैं जो नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे जो यहाँ पे आए थे इंडिया, ठीक है, जो भी ब्रिटिशर पार थे उस समय में, सो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा था ये सब कुछ। सो नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। सो न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स जो 19वीं सेंचुरी के जो पब्लिश किए जाते थे इंग्लिश में और जो अदर अलग अलग लैंग्वेजेस थी, ठीक है, उसमें यहाँ पे पब्लिश किए जाते थे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट अटैम्प्ट करा गया था न्यूज़पेपर को पब्लिश करने के लिए, इंडिया में, वो क्या था, यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे इम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से में थे क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रेड किया जा रहा था उसमें बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार था, बहुत ही ज़्यादा करप्शन थी, ठीक है, उसको एक्सपोज करना चाहते थे। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हाइकी, इन्होंने पब्लिश किया था पहला न्यूज़पेपर इंडिया में जिसका टाइटल था द बंगाल गैजेट या कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर। सो यहाँ पे जो जेम्स ऑगस्टस हाइकी, इनका जो प्रेस था इसको 2 साल के अंदर ही इन्होंने सीज़ कर लिया था। क्यों कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे थे गवर्नमेंट को, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना करने लगे थे। इसके बाद यहाँ पे और बहुत सारे पब्लिकेशंस सामने आए, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे जो अपने न्यूज़पेपर हैं उनको पब्लिश किया, जैसे द कलकत्ता गैजेट 1784 में, मद्रास कॉरियर 1788 में, बॉम्बे हेराल्ड 1789 में,
सो उसके बाद यहाँ पे द हिंदू एंड स्वदेश मित्रा, सो ये जो पब्लिश किया गया किसके किसके द्वारा किया गया, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था। उसके बाद केसरी एंड महारथा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। उसके बाद बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अमृता बाजार पत्रिका, ये किसके द्वारा किया गया था, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष के द्वारा। सुधारक, ये जो न्यूज़पेपर था ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है, जो इनके एडिटर से। इंडियन मिरर, ये NN सेन के द्वारा, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। हिंदुस्तान एंड एडवोकेट GP वर्मा के द्वारा किया गया था। अब ये तो थे जैसे न्यूज़पेपर थे और इनके जो जिन्होंने पब्लिश किया था ये, ठीक है, उनके नेम थे। अब यहाँ पे देखेंगे न्यूज़पेपर और जो किस रीज़न में ये पब्लिश किए जाते थे वो देखेंगे अब 7th पॉइंट में। सो द ट्रिब्यून एंड अकबरे आम, ये पब्लिश किया जाता था पंजाब में। इंदु प्रकाश, दनियान प्रकाश, कल गुजराती, ये बॉम्बे में किया जाता था। सोम प्रकाश बंग निवासी एंड सदारनी, ये बंगाल में पब्लिश किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो इंडियंस जो अब्रॉड में थे, ठीक है, अदर कंट्रीज़ में थे, जो वहाँ पे वो पब्लिश करते थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन में करते थे। बंदे मातरम पेरिस में किया जाता था। तलवार बर्लिन में किया जाता था। गदर सैन फ्रांसिस्को में किया जाता था, ठीक है। सो ये जो नेम्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, सो इनको आप बार बार लिख के देखें, सो 3-4 बार रिवीजन करोगे तो ये नेम्स याद हो जाएंगे, ठीक है। सो इनके साथ में इनके नेम्स भी हैं, सो ये भी देख लेना। सो नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिएटिव लिटरेचर। सो यहाँ पे जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, ठीक है, जो बंगाली नॉवल जो लिखते थे, सो वो कौन है, बंकिम चंद्र चैटर्जी। सो इनके जो द्वारा जो नॉवल्स लिखे जाते थे, आनंद मठ 1882 में, वंदे मातरम और सन्यासी रिवोल्ट जो 1760s के दौरान जो हुआ था, और जो लास्ट नॉवल था वो क्या था, राज सिम्हा, जिसे ग्रांट फिनाइले भी फिनाइले बोला जाता है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे इचारम सूर्यराम देसाई। सो इनके द्वारा जो नॉवल फर्स्ट लिखा गया था, हिंद एनी ब्रिटैनिका, सो जिसके बारे में मेनली जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स थी उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा था अपने इस फर्स्ट नॉवल में। उसके बाद जो तमिल राइटर्स हैं लाइक गिरिजा देवी, जिन्होंने यहाँ पे मोहनरा रजनी 1931 में लिखा था। नेक्स्ट है राम तीरथ थमाल। सो इनके द्वारा जो नॉवल जो लिखा गया था, दसिकलीन मौसा वलई, ये 1936 में लिखा गया था। उसके बाद GV कृष्ण राव, किलु बोमालु द पपेट 1956 में लिखा गया था ये इनके द्वारा। सो इसमें बेसिकली जो रूरल पीपल है उनका जो बिहेवियर या ठीक है उनका जो रहने का जो भी तरीका था उसके बारे में इसमें लिखा गया है। सो नेक्स्ट है वाई कॉम मोहम्मद बासीर। सो इनके द्वारा जो नॉवल लिखा गया था, बाल्यकला सखी द चाइल्डहुड चाइल्डहुड फ्रेंड। नेक्स्ट है द गजी शिवा शंकरा पिल्लई, तोती योदी मकान। सो इसके द्वारा लिखे गया था ये, सो सन ऑफ स्कवेंजर, ठीक है, मतलब है 1948 में, एंड चैमिन। सो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, दैट इज पेंटिंग। सो पेंटिंग्स के द्वारा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ, ठीक है, जो कॉलोनियल रूल के दौरान यहाँ पे इन्फॉर्मेशन
मिलती है हमें पेंटिंग से भी। सो यहाँ पे जो कंपनी पेंटिंग जो इनके द्वारा बनाई जाती थी उसको यहाँ पे पटना कलाम भी बोला जाता है। सो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो पिक्चर्स बनाई जाती थी, ठीक है, लोगों की या जो भी उस समय में जो भी उनके साथ सीन हुए, ठीक है, उनकी यहाँ पे पिक्चर्स बनाई जाती थी। जैसे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स अपनी बनाई थी। और यहाँ पे ये, ठीक है, ब्रिटिशर्स को ये दिखा रहे थे बेसिकली कि ब्रिटिशर्स के ऊपर यहाँ पे कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ था जो रेबल्स के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है, ये जो पेंट की गई थी थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा 1859 में की गई थी। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो दिस वन रिलीफ ऑफ लखनऊ जो पेंटेड की गई थी थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा 1859, ठीक है, 2 साल के बाद यहाँ पे की गई थी। सो बेसिकली इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो ये अंग्रेज लोग हैं ये रेबल्स को यहाँ पे मारकर भगा रहे हैं। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि हाँ इनकी इनसे जीत हो चुकी है, इनको बेसिकली एक हीरो की तरह यहाँ पे पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट है यहाँ पे इन मेमोरियम जोशिप के द्वारा जो बनाई गई थी पेंटिंग, ठीक है, सो ये भी देख लेते हैं। सो दिस वन इन मेमोरियम, ठीक है, जो जोशिप के द्वारा बनाई गई थी 1859 में। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक लेडी है, ठीक है, मासूम से बच्चे यहाँ पे दिखाए हुए हैं जो इनको एक हग कर रहे हैं। ठीक है, सो बाहर यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स आर्मी है इनको एक रक्षक के तौर पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो कि इनको यहाँ पे आकर बचाने का काम कर रही है। और यहाँ पे मिस व्हीलर, ठीक है, जो अपने आप को यहाँ पे डिफेंड कर रही है, जो यहाँ पे इनके हाथ में यहाँ पे पिस्टल्स है, जो यहाँ पे रेबल्स को मार रही हैं, और यहाँ पे नीचे एक बाइबल की बुक पड़ी हुई है। ठीक है, सो ऐसे ऐसी यहाँ पे इनके द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई थी जिनमें ये क्लियरली इनके द्वारा बताया गया था कि कैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स के ऊपर यहाँ पे रेबल्स के द्वारा हमला किया गया था। ठीक है, उनको यहाँ पे एक अत्याचारी टाइप लोग दिखाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अपने आप को ये ज़्यादा अच्छे समझ रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस है ये ऐसी पेंटिंग बनाएगी अपने आप को यहाँ पे डिफेंड करने के लिए। ठीक है, आगे जो भी कहानी है वो हम 1857 का जब रिवोल्ट स्टार्ट होगा चैप्टर उसमें हम डिटेल में देखेंगे यही सब बातें। उसके बाद यहाँ पे कालीघाट पेंटिंग, ठीक है, ये भी कलकत्ता में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे जैसे नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने एक नया ट्रेंड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था इनके द्वारा। इसके बाद बंगाल स्कूल, ठीक है, राइस हुआ जो किसके द्वारा लेड करा जाता है, अभिनिंद्रनाथ टैगोर, ए बी हावेल, अनंदा कैंतिश कुमार स्वामी, सो इनके द्वारा यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया जाता है। और इन्होंने यहाँ पे जो फोकस करके चले थे ऑन द थीम ऑफ इंडियन मिथोलॉजी एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, सो इसी के साथ यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश होता है। सो आई होप आप लोगों के यहाँ पे समझ में आया होगा। सो यहाँ पे जो MCQs होंगे फर्स्ट चैप्टर के वो हम करेंगे यहाँ पे जब सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि छोटा चैप्टर है। सो दोनों के यहाँ पे जो MCQs होंगे वो मैं साथ में ही यहाँ पे अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक करें, शेयर करें एटलीस्ट 3 स्टूडेंट के साथ, सो उनकी भी यहाँ पे मदद हो सके, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ले सकें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इसके साथ उनकी भी यहाँ पे मदद हो सके और वो भी हमारे देश को आगे ले जा सकें। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो अपने आसपास सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद।